हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम नरेला चल रहे हैं और नरेला में जो भी DDA का फ्लैट है वो सारी दिखाएंगे और वहाँ पे जितने भी टाइप के फ्लैट है HIG, MIG, LIG वो सारे दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो को शॉर्ट में रखें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर नरेला DDA फ्लैट में, तो अभी अंदर चलेंगे और अंदर सारी दिखाएंगे सारे फ्लैट वगैरह, जो भी LIG, MIG और HIG जितने भी फ्लैट हैं वो सारा दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आए हुए हैं फ्लैट देखने के लिए, तो ये 2 BHK फ्लैट है, इसके अंदर चलते हैं और सारी चीज़ें दिखाते हैं और लास्ट में इसका प्राइस भी बताएंगे कि कितना प्राइस है और कैसे इसकी बुकिंग होगी, सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये DDA का है, अभी नया स्कीम चल रहा है, पहले आओ पहले पाओ, उसी में ये फ्लैट दिया जा रहा है। 2 BHK है, नरेला में स्थित है। ये लोकेशन इसका दिल्ली का नॉर्थ एरिया है, नरेला का पार्ट है ये, नरेला में ये बहुत बेहतरीन फ्लैट है। अभी आपको दिखाते हैं सारा, इसके अंदर बेड वगैरह सब लगे हुए हैं। आपको बेड मिलेगा नहीं, ये बस आप इस तरीके से लगा सकते हैं, सजाने के लिए लगाया गया ताकि ये आपको पता चले कि ये जब बेड लगेगी तो कितना बढ़िया लगेगा, कितना सुंदर लगेगा। ये चारों तरफ बेड है, विंडो है, लाइट है, सोफा है, टेबल है, सारा चीज़ लगा हुआ है। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी का फोटो भी है। इसका डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है ड्राइंग रूम का, तो 3300 और 6190 है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। और इधर विंडो भी है, और आगे चलते हैं फिर इधर 2 BHK जो फर्स्ट रूम है, फर्स्ट रूम दिखाते हैं। बेहतर है इस रूम का लाइट जलाना। ये 10x11 का रूम है और इसके अंदर अटैच बाथरूम मिलेगा। इधर आइए, ये बालकनी है, अब पीछे का आदमी देख सकते हैं, पीछे ओपन पार्क है और इधर जनरेटर भी है, 24 आवर पावर बैकअप है, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइट की कैसे कटती नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिव दिया गया है और इस तरफ से आप देखिए पूरा ओपन है। सामने भी फ्लैट है, ये भी 3 BHK फ्लैट है और काफ़ी, ये अभी अलॉटमेंट इसकी शुरू नहीं हुई है, नेक्स्ट ईयर होने वाली है। ये और महंगी है, 2.5 करोड़ की है ये, तो वो भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ इसका कितना प्राइस बताए थे 2 BHK का? 2 BHK का प्राइस 1,27,00,000 रुपये है। 1 करोड़। ये दूसरा बेडरूम है, इसमें भी है, मास्टर बेडरूम है, टॉयलेट बाथरूम दोनों के साथ अटैच है इसमें। और इधर अलमीरा भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया है। ये सब आपको लगवाना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे सारे वार्डरोब जो है, कपड़े वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, तो ये भी बहुत बेहतरीन है इसमें। और फिर कोने में एक लकड़ी का अलमीरा है, यहाँ पर भी आप लोग अपने सामान को इसमें रख सकते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन है। जगह आप पूरे स्पेस को आप यूज कर सकते हैं एसी लगाने के लिए, यहाँ पे विंडो एसी, स्टील एसी, ये सारा जो है। अगर फिर लोन वगैरह किसी को करवाना होगा तो फिर लोन वगैरह हो जाएगा इसमें? लोन अगर, हाँ लोन हो जाएगा, ये DDA का है तो इसमें आराम से लोन मिल जाता है और स्टेट बैंक से लोन हो जाएगा आपका, बाकी और सब बैंक जितने भी इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सब लोन कर देगी। आप कोशिश कीजिए सरकारी बैंक से लोन हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, सरकारी बैंक से आप करवाइए लोन, लोन की सारी सुविधाएँ हैं, आप लोन भी ले सकते हैं। अगर जैसे मुझे लोन के लिए अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? लोन के लिए आप अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट लेटर के साथ आप इनकम प्रूफ देते हैं तो आपका लोन हो जाएगा, विद इन 10 डेज के अंदर लोन मिल जाता है। इसमें जैसे 1 करोड़ से ऊपर है 75% तक आपको लोन मिलेगा, यानी 75 लाख तक आपको लोन मिल सकता है इसके। बाकी जब आपको और भी बात चाहिए होगा तो प्री होल्ड होने के बाद रिपेयर रिनोवेशन वगैरह का भी ले सकते हैं, 75% तक लोन आपको हो सकता है इसमें, विद इन 10 डेज लोन मिल जाएगा। तो आपसे कंसल्ट कर सकते हैं लोन के लिए? लोन के लिए बात कर सकते हैं आप, आपको नंबर डाल दिया जाएगा इसमें, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, तो आपको लोन मिल जाएगा विद इन 10 डेज। दो स्टेप सर्विस होगा, आपको कहीं भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आप दो स्टेप सर्विस लोन के लिए मिल जाएगा आप। तो फ्रेंड्स, तो लोन का भी यहाँ पे डोर स्टेप सर्विस है, आपको सिर्फ कॉल करना है और आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें करवा के दी जाएगी। स्टेट बैंक से हो जाएगा, स्टेट बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, वहाँ से आपको ये सर्विस लोन की मिल जाएगी, तो आप स्टेट बैंक से लोन ले सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर दिया जाएगा, वहाँ से आप देख के कॉल कर सकते हैं,
आपको लोन की फैसिलिटी सारी। ठीक है फिर फ्रेंड्स, तो सब कुछ तो देख लिया, वीडियो को अब यहाँ पे पॉज करते हैं और फिर बाहर चल के फिर बाहर का भी व्यू दिखा देंगे। काफ़ी स्पेशियस है ये जगह, अच्छा है। ये मेन हाईवे से 2 से 3 किलोमीटर के अंदर पे ही है, 1 किलोमीटर के अंदर ही है, 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ही ये फ्लैट है। जी जी करनाल रोड है, आप जब भी दिल्ली से करनाल की तरफ जाते हैं तो सिंगू बॉर्डर है, दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, उससे पहले ही ये एरिया पड़ता है नरेला का। तो यहीं पे मेन रोड से जीटी रोड से 1 किलोमीटर के अंदर में ही फ्लैट है ये, और बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत बढ़िया लोकेशन है और बिल्कुल ओपन एरिया है। यहाँ पे आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि जैसे हम किसी कंजेस्टेड जगह में रह रहे हैं। चलिए फिर, थैंक यू भाई, थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये पूरा बाहर का नज़ारा है और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत है, और जब भी आप आइए तो आप इनसे मिलिए, ये आपको फ्लैट के अंदर दिखाएंगे। तो क्या भैया कैसा है, मतलब माहौल वगैरह सही है यहाँ? माहौल सब मस्त है, बढ़िया। क्या नाम आपका, क्या आपका क्या नाम हुआ? उदयराज सिंह। उदयराज सिंह, कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? 6 महीने से। 6 महीने से हो, कैसा है यहाँ पे माहौल, कैसा है माहौल? सब सही है, सही है। आगे आपको क्या भविष्य में जाना है, आप यहाँ पे हैं, क्या लोग बोलते हैं? ये अच्छी एरिया बन जाएगी यहाँ पे, मेट्रो भी आने वाली है, मेट्रो भी 500 मीटर दूर बनेगी, स्कूल वगैरह भी नई नई बनने वाली, भी बनने वाले 2-3। अच्छा, आप लोग जब भी आते हैं यहाँ पे ये उदयराज सिंह जी मिलेंगे आपको, ये फ्लैट खोल के दिखाएंगे और इनका व्यवहार विचार बहुत बढ़िया है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। ये हमारे साथ एक और भैया है, तो क्या नाम है आपका? जयदेव। जयदेव जी है, इनके हाथ में देखिए चाबी है, ये चाबी, ये आपको ये की से दिखाएंगे ये फ्लैट खोल के। जो फ्लैट आपको वीडियो में दिख रहा है ये आपको अगर फिजिकली देखना चाहते हैं आइए और ये जयदेव जी से मिलिए, ये आपको दिखाएंगे। तो ये कस्टमर सब यहाँ बहुत आ रहे हैं? बहुत आ रहे हैं। आपको कैसा लगता है ये? सही है, एरिया बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो ये जो फ्लैट पीछे वाला है ये कितने दिन में बुक हो गया सारे बुक? ये देखो सबसे पहले ग्राउंड के और 24 मंजिल के वो बुक हुए थे सबसे पहले। सबसे पहले, हाँ, सारे अच्छे फ्लैट बने हुए हैं। अच्छा, ऊपर वाले पहले बुक हुए थे? 24 वाले बुक हुए थे। अच्छा, 60-65 रह रहे, बाकी सारे टोटल सारे बुक हो गए। सारे फ्लैट बुक हो गए, आप समझ सकते हैं इससे इसकी कितनी वैल्यू बढ़ने वाली है। आप लोकेशन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी, डीडीए जो पहले बनाती थी आज से 5-6 साल पहले और इसमें काफ़ी फ़र्क है, आप दूर से देख सकते हैं, आपको बेहतरीन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है और मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे सारे पाइपें, नाली, सीवर सारा बना हुआ, लाइट बैकअप जैसे आप प्राइवेट बिल्डर्स वगैरह के होते हैं सारी सुविधाएँ होती है, उस तरह की सारी सुविधाएँ आपको यहाँ पर मिल रही है। जनरेटर की सुविधाएँ भी है और मेंटेनेंस के लिए भी यहाँ पर दूसरे तरफ आप उधर पीछे देख रहे होंगे, वहाँ पे एक मेरा दोस्त रह रहा है, उस पर गया था तो वहाँ मेंटेनेंस के लिए लोगों ने अपना सोसाइटी बना करके उसमें जो है वो सब कर रहे हैं। काफ़ी मतलब कि अपने हिसाब से आप इसको सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं, इसको आप लोग आइए यहाँ पे और फ़ायदा उठाइए, देखिए लीजिए और दोनों भैया से मिलिए। हाँ, आप जब भी आइए तो इनसे मिल लीजिए, और जयदेव जी हैं, फ्लैट खोल के आपको ओपन करके दिखा देंगे। भैया ये जो स्कूल वगैरह यहाँ पे बन रहा है वो कितने दूरी पे बन रहा है? ये पास में बिल्कुल 100 मीटर दूर है। अच्छा, एक तो इसी बिल्डिंग में बनेगा यहाँ सामने, एक हॉस्पिटल यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है। हाँ, ये सामने है, वही बगल में ही है। हाँ, एक राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये भी बिल्कुल पास में 1 किलोमीटर के अंदर ही होगा ना। हाँ, एक यहाँ पे भी बनेगा। हाँ, यहाँ पे भी बनेगा और एक यहाँ भी बनने वाला है, 1 किलोमीटर के अंदर में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, बस उसके बगल में ही ये एरिया पड़ता है। फ्रेंड्स, तो वीडियो को अब यहीं रोकते हैं, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिए और सारी मतलब कॉल किया जाएगा और कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू। अर्ज किया है कि जैसे सब्जी के साथ धनिया और पानी पूरी के साथ मिलती है सूखी पापड़ी फ्री, ऐसे ही आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम में वर्क प्लेस से स्ट्रेस और स्ट्रेस से फ्री मिलती है एसिडिटी, एसिडिटी और एसिडिटी, है ना।